मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के चान्हो प्रखंड अंतर्गत सोंस पंचायत स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कुछ दिन पहले जांच कमेटी द्वारा जांच में जो सड़ा हुआ अनाज पाया गया था, मिड डे मील से उसी अनाज का भोजन बच्चों को परोसा जा रहा था। जांच कमेटी द्वारा कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रभारी को अनाज को जल्द हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन विधायक ने स्कूल का निरीक्षण किया तो सड़ा हुआ अनाज वहीं मिला। विधायक ने स्कूल के प्रभारी और स्कूल के सभी टीचर को फटकार लगाई। सड़े हुए अनाज को हटाए नहीं जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हम हटाना शुरू करें अभी। अरे अभी भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, चलिए। हेलो हेलो, चावल बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, वो पहले का चावल हमारे। तो आपका बुद्धि कहाँ? हम लेटर लिख देते हैं। नहीं मैडम, आप फॉरएवर आपको रिजिग्नेशन तो नहीं करते हैं। चावल हमारे। तो आपका बुद्धि कहाँ था? तो अपना घर में भी आप सड़ा हुआ चावल और साफ चावल को एक साथ रखिएगा? नहीं, वो अलग। अरे नहीं है अलग, हमारे उस रूम से। इतना बड़ा बड़ा बात करके गए हैं आप उस दिन, और ये हालत आपका स्कूल का सबसे कुछ। अरे घर में भी तुम लोगों का दिमाग होता होगा कि जब साफ चावल है तो उसके साथ गंदा चावल को मत रखो। क्यों रखा गया था आप लोगों? 19 शिक्षक है यहाँ पे, 19 में से एक ठोका दिमाग नहीं चला। और जब इतना बड़ा कांड हो गया है, बीओ यहाँ से रिपोर्ट बना के जिला में भेज दिया, तब भी आप लोग से दिमाग, मतलब इतना इंसानियत ही नहीं है, तब भी दिमाग नहीं लगा अध्यक्ष जी कि चावल को अलग कर दिया जाए रूम में? होना चाहिए था कि नहीं? तो क्यों आज तक आप लोग वेट कर रहे हैं, और किस चीज का आप लोग को चाहिए? 5-6 जन का हम लेटर लिख के इन्वेस्टिगेट कर दे। हम इस बार बार माफी चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, माफी के साथ सजेशन लेते रहते जब, हैं। जब पत्रकार लोग आ गए, हम दो दिन पहले हम शिक्षा विभाग का मीटिंग किए हैं, तुम लोग सब लोगों का सजेशन लिया गया उस मीटिंग में, अपना क्या एजेंडा है उसको बताया गया, तब भी यहाँ पे पत्रकार लोग आए, इतना गंदा चीज को दिखाया गया न्यूज़पेपर में, न्यू हेडलाइन बना है। आप लोगों को इस चीज का जरा सा भी गंभीरता होता तो कम से कम अभी तक वो रूम में खाली कर दिए होते आप लोग दूसरा रूम में चावल को, मगर तब भी नहीं हुआ। घर में आप लोग एक दिन भी बिना झाड़ू के रहते हैं? है आप में प्रभारी दूर की बात, और आपका जो फिजिकल कंडीशन है उसको नजर रखते हुए हम आपको कंसेशन भी बहुत किए, बहुत शुक्रिया, मगर आप नहीं, मगर आप उस चीज का भी डिजर्व नहीं करते हैं। आप डिजर्व करते हैं फॉरएवर अपने घर पे आप बैठिए। नहीं,